ड फ्रॉम टेक्स बुक ये टेक्स बुक में तो कम्पलीट हो चुका है एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू इन लिथो अंडरस्टैंड हम आज लिथो में उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले है सो टेक आउट योर लिथो एंड लेट्स स्टार्ट नाउ सी इन यूनिट सिक्स फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एम सी क्यू मीन्स फोर ऑप्शन आर गिवन एंड यू हैव टू राइट करेक्ट आंसर इन द बॉक्स राइट सो अगेन आई एम टेलिंग यू वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू रीड विथ मी राइट मैं आपको जब भी ये समझाती हूँ तो बोलती हूँ ना कि आपको क्या करना है मेरे साथ साथ रीड करना है नाउ सी हुई नोबडी मिस्टर नोबडी कौन है मिस्टर नो बडी की आपने पोएम सीखी थी ना वो कौन है एन ओल्ड मैन क्या वो एकदम ओल्ड है यंग मैन या वो यंग है सी अनी लिटिल मैन क्या वो फनी लिटिल मैन है या सैड लिटिल मैन है तो हमने पोएम में सीखा था ना मिस्टर नोबडी इज अटिल ऑप्शन सी तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है सी नाव मिस्टर नोबडी इज एज क्वाइट एज अ डैश मिस्टर नोबडी किसकी तरह चुप है मतलब किसकी तरह चुपके से आते हैं रैबिट की तरह रैट की तरह कैट की तरह या माउस की तरह एंड आंसर इज डी बिकॉज हमने उसको पोएम में ही देखा था सेकेंड लाइन में आई नो अ फनी लिटल मैन एसक्वाइट एज अउस राइट तो उसका सेकेंड सेंटेंस में ही था ना फनी लिटल मैन इज एसक्वाइट एज अउस तो इसका ऑप्शन क्या आएगा डी नाउ सी हियर यहाँ पे आपको ना एस लिखना है सीन एस डबल यूएन सीन डैश हैज सीन मिस्टर नो बडी मतलब की मिस्टर नो बडी किसने देखा है एवरी वन क्या सबने देखा है नो no वन किसी ने नहीं देखा सम वन कोई कोई ने देखा है एंड हु किसने देखा है ऐसे हु से क्वेश्चन पूछना है तो क्या सबने मिस्टर नोबडी को देखा है नो no. किसी ने भी मिस्टर नोबडी को नहीं देखा है तो इसका आंसर क्या आएगा नो no वन किसी ने भी नहीं देखा है वन हैज सीन मिस्टर नोबडी मिस्टर नोबडी को किसी ने भी नहीं देखा है नाउ नंबर फोर मिस्टर नो बडी डॉट ऑफ मिस्टर नोबडी क्या करते हैं बहुत सारी मिसचिफ मतलब शरारते शैतानिया राइट right? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा ए इज राइट नाउ सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बहुत सारे राइमिंग वर्ड तो लुक लिसन एंड रिपीट नाउ विच वर्ड इज दिस बनी दिस इज फनी एंड सनी सो यू हैव टू रिपीट इट बनी फनी एंड सनी देन ब्लाउज हाउस एंड माउस

क्वेश्चन नंबर टू जो है उसमें आपको वैसे ही वर्ड्स दिए हुए है राइट right? इसमें आपको क्या करना है उसके रिलेटेड राइमिंग वर्ड लिखने हैं राइमिंग वर्ड मतलब सेम वर्ड जिसका साउंड कैसा हो सेम हो तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एल ए सीई लेस लेस तो आपने देखी होगी शूज में भी लेसिस होती है और आपके मदर की जो सवारी होती है ना उसमें जो बॉर्डर होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं लेस राइट तो लेस का जैसा ही जो साउंड हो वैसा कौन सा वर्ड आएगा फेस एंड केस नाउ सी स्प्री आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्री स्प्री का मतलब होता है मौज मस्ती राइट तो हम सब मस्ती करते हैं ना दैट इज कॉल्ड स्प्री तो सी आर डबल ई तो सेम साउंड वाला कौन सा वर्ड होगा एक तो है थ्री

रिवर में रिवर में जब छोटी रिवर होती है तब आप जाते हो नहाने के लिए तो आप पानी में जाके क्या करने लगते हो ऐसे पैरों से कूदने लगते हो ना इट इज कोल्ड डाउस अंडरस्टैंड तो डाउस के जैसा ही सेम वर्ड्स होगा हाउस उसका स्पेलिंग क्या होगा एच ओ यू एसई हाउस एंड एमओ यू एसई माउस अंडरस्टैंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर थ्री उसमें क्या करना है रीड द सेंटें मतलब की सेंटेंस को पहले रीड करना है एंड सर्कल द राइमिंग उसमें सर्कल करना है तो ये सेंटेंस पहले हम रीड करेंगे बनी वॉज अ फनी रेबिट बनी था वो फनी रेबिट था तो यहाँ पे ये बनी और फनी दोनों राइमिंग वर्ड है तो आपको क्या करना है इसमें सर्कल नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंस अउस रैन इन दाउस तो यहाँ पे माउस एंड हाउस ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है नाउ नेक्स्ट वन अट वॉज स्लीपिंग ऑन द मैट सो कैट एंड मैट दिस टू वर्ड आर राइमिंग नाउ सी डू यू नो वाई द टोटॉइस इज सो स्लो नाउ सी नो स्लो दिस टू वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स तो आपको क्या करना है इसमें सर्कल कैन यू ट्रेस दिस फेस टू ट्रेस एंड फेस दिस बोथ वर्ड्स आर राइमिंग नाउ डू यू सी दैट लिटल बी सी एंड बी दिस टू वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स राइट ऑल द चिल्ड्रेन आर इन दॉल सो विच वर्ड्स ऑल हॉल राइट right. सी अगर आप इन दोनों वर्ड्स को बोलेंगे तो साउंड सेम करेगा ऑल हॉल सी बी ट्रेस फेस नो स्लो कैट मैट माउस हाउस बनी फनी राइट नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट विथ कंप्लीट द वर्ड्स राइट आप यहाँ पे वर्ड्स देख रहे हो कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं हियर सम वर्ड्स आर गिवन एंड द वर्ड्स विथ विच लेटर्स कौन से लेटर्स आप ये वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हो ई आई ओ एंड यू सो ए यू क्या है ए आई ओ यू आर वोवेल्स इसको क्या बोलेंगे वोवेल्स है राइट right? तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दी है तो यहां पर एच इन यूएस सो ये कौन सा वर्ड होगा हाउस यू कैन राइट ओ ओवर हियर एंड हियर ई सो दिस वर्ड इज हाउस नंबर टू यू विल राइट ओवर हियर ए यहां पे आप ए लगाओगे तो ये बन जाएगा प्लेट उसके बाद एच डैश एम पी तो एच यू एम पी हम राइट नाउ सी एल डैश के डैश तो हमने यहाँ पे लगाया है एल ए के ई लेक अगर हम यहाँ पे आई लगा देते तो भी ये बन जाता है एल आई के ई -e, लाइक ओके नाउ हियर सी आर ओ डब्ल्यू क्रो हियर वी कैन मेक कैमल दिस वन इज काइट अगर हम यहाँ पे ए लगाएंगे तो ये बन जाएगा स्टार फिर ये होगा सी जी ए आर डी ई एन गार्डन क्योंकि हमको सिर्फ ये फाइव में से ही यूज करना है नाउ आर आई ई आर रिवर आफ्टर दैट एम ओ यू ई माउस एंड आर ए डबल बी आई टी रैबिट तो ऐसे वर्ड है अगर कुछ आप लोग कोई दूसरा इसमें से लेटर एड करके अगर दूसरे वर्ड्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो राइट नाव लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर फाइव राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स दीज आर ऑल्सो एमसीक्यूज राइट बट दीज एमसी क्यूज आर फ्रॉम दैट स्टोरी विथ स्टोरी कर रिलोक्स एंड द थ्री बैट तो ये स्टोरीज आपको याद है अंडरस्टैंड ये स्टोरी भी आपको याद है हमने सबने ये स्टोरी को पढ़ा था उसमें कौन था कर्ली लॉक्स थी एक गर्ल थी और कौन था तीन एक बैर फैमिली थी राइट जिसमें थ्री बैर थे और कौन कौन था पापा बैर मम्मी बैर एंड बेबी बैर तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कर्ली लॉक्स वेंट टू अ डैश नियर हर हाउस करली लॉक्स कहाँ गई थी उसके घर के बाजू में क्या था फॉरेस्ट राइट right? वो तो जंगल में चली गई थी उसके घर के बाजू में एक जंगल था वहां पे वो चली गई तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ए तो वो आपको यहाँ पे लिखना है नाउ नंबर टू देर वॉज डैश इन दाइट ना वॉट इज दिस डैश इन द कॉटेज कॉटेज में कौन था जब भी वो कॉटेज के अंदर चली गई तो उसने क्या देखा देर वॉज नो बडी इन द कॉटेज राइट कॉटेज में कोई भी नहीं था इसीलिए तो वो घर के अंदर चली गई तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है डी नाव दी डैश लिव इन द कॉटेज अब कॉटेज में कौन रहता था फॉक्स फैमिली मंकी फैमिली बैर फैमिली और जिराफ फैमिली नाउ स्टोरी में कौन था कॉटेज में कौन रहता था बैर फैमिली ऑप्शन सी सो दैट यू हैव टू राइट नाउ नंबर फोर इज सी हियर नंबर फोर कर्ली लॉक्स सो डैश बाउल्स ऑफ पोरिज ऑन टेबल कर्ली लॉक्स ने कितने बाउल्स पोरिज के देखे टेबल के ऊपर वन टू थ्री और फोर हाउ मेनी बाउल्स ऑफ पोरिज वर देर ऑन टेबल हाउ मेनी थ्री क्योंकि एक मम्मा बैर के लिए था एक पापा बैर के लिए था और एक बेबी बैर के लिए ऐसे करके थ्री बाउल्स पॉरिज के टेबल के ऊपर पड़े थे राइट नंबर फाइव इज द बिग बाउल वॉज फोर डैश अब जो बड़ा बाउल था बिग बाउल मीन्स बड़ा सबसे बिग तो वो किसका था पापा बैर का ऑप्शन बी यू हैव टू राइट नाउ नंबर सिक्स नंबर सिक्स में क्या है द पॉरिज इन द बिग बाउल वॉज डैश तो बिग बाउल में कैसा पॉरिज था सी द पॉरिज इन द बिग बाउल वॉस लेस मोर हॉट या कोल्ड बिग बाउल था उसमें पॉरिज हॉट था बहुत ही गर्म था राइट तो यहां पे क्या आएगा ऑप्शन सी उसके बाद सेवेंथ जो है द पॉरिज इन द मिडल साइज बाउल वॉस डैश अब एक मिडल साइज का बाउल भी था सबसे बिग था पापा बैर का फिर एक मिडल साइज का था और उससे भी छोटा टाइनी था राइट तो यहाँ पे मिडल साइज की बात हो रही है तो मिडल साइज के बाउल में कैसा पॉरिज था कोल्ड सब उसमें बहुत ही ठंडा था राइट तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा डी तो यहाँ पे आपको लिखना है डी नाउ, नंबर एट एट जो एमसीक्यू है वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है सो लेट्स रीड नंबर एट The porridge in the dash bowl was just right. देखो जो बिग बाउल था उसमें बहुत ही हॉट था मिडल साइज का बाउल था उसमें कोल्ड था तो द पॉरिज इन द डैश बाउल कौन सा बाउल टाइनी बाउल राइट टाइनी मतलब स्मॉल सबसे छोटा उसको क्या बोलते हैं टाइनी तो टाइनी बाउल वॉज जस्ट राइट मतलब वो बराबर था ठीक था अंडरस्टैंड उसके बाद यहाँ पे जो नाइन्थ है उसमें है द मिडल साइज बैड वॉज फॉर डैश अब मिडल साइज का जो बैड था वो किसके लिए था देखो बैड भी थ्री थे एक बिग बैड था एक मिडल साइज का था और एक छोटा था तो बिग बैड किसके लिए था पापा बैर के लिए फिर मिडल साइज का किसके लिए था ममा बैर के लिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा सी नाउ द बिग बैड वॉज वेरी डैश अच्छा आपको स्टोरी में पता ही है जब लॉक्स बिग बेड पे गई तो उसको वो अच्छा नहीं लगा क्यों अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ही हार्ड था राइट तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी हार्ड एंड नंबर इलेवन क्या है और उसको जब वो मिडल साइज के बेड पे सोने के लिए गई तो उसको वो भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो कैसा था बहुत ही सॉफ्ट था द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट था राइट right. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा डी और आपको पता है जो सबसे छोटा मतलब द स्मॉल द स्मॉल बेड वॉज जस्ट राइट वो एकदम ठीक था तो वो छोटे बेड पे ही थी है ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है उसमें क्या है फील इन द ब्लैंक्स आपको क्या करना है ब्लैंक्स फील करनी है ओके okay, तो पहले हम सारी ब्लैंक्स को रीड करते हैं पहले हम उसकी ऑप्शन रीड करेंगे हॉट दिस इज हार्ड टाइनी

पॉरिज इन द बिग बाउल was वेरी अच्छा बिग बाउल के अंदर जो पॉरिज था वो कैसा था हॉट था तो यहाँ पे हमने लिखना है हॉट एंड द पॉरिज इन द middle साइज बाउल was टू कोल्ड वो कैसा था वो बहुत ही ठंडा था इसलिए यहाँ पे लिखना है टू कोल्ड नाउ नेक्स्ट वन porridge इन द टाइनी बाउल was जस्ट राइट right. क्योंकि टाइनी बाउल में था वही ठीक था ना जस्ट राइट right, मतलब कि वो ठीक था उसको वही पसंद आया नाउ द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड जो बड़ा बेड था वो कैसा था बहुत ही हार्ड था उसके बाद द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट मिडल साइज का जो बेड था वो बहुत ही सॉफ्ट था एंड कर्ली लॉक्स स्लैप्ड इन द टाइनी लिटिल बेड राइट वो कैसे बेड पे सोई जो टाइनी लिटिल मतलब छोटा था उसमें सोई द डैश बेड वॉज वेरी हार्ड अच्छा कौन सा बेड था वो बहुत ही हार्ड था बिग बेड एंड कर्ली लॉक्स वॉज डैश सो शी एट द पॉरिच मतलब कर्ली लॉक्स कैसी थी उसने सारा पॉरिज खा लिया वो बहुत ही भूखी थी मतलब कि वो हंग्री थी दिस इज स्पेलिंग ऑफ हंग्री H U N G R Y hungry. Curly locks was hungry, so she ate the porridge. Understand? So आज हमने जितनी भी exercises ये question number six तक किया है लिथों के, तो आपको ये सारे answers आपके लिथो में लिख लेने हैं और जिसने भी लिथो collect नहीं किया है, वो जल्दी से स्कूल से लिथो collect कर लो और इसमें आपको homework करना है, understand? Thank you.